अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इमरान नईम वीलॉग्स। नाज़रीन, क्रिकेट की दुनिया में बहुत से फास्ट बॉलर आए और गए, लेकिन शुएब अख्तर क्रिकेट की दुनिया का सबसे फास्ट बॉलर जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। शुएब अख्तर के पास दुनिया की तेज तरीन क्रिकेट की बॉल फेंकने का रिकॉर्ड है। शुएब अख्तर ने ये बॉल 161.3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से फेंकी थी। नाजरीन, ये रिकॉर्ड आज तक शुएब अख्तर के पास है और कोई भी नया फास्ट बॉलर ये रिकॉर्ड तोड़ने में नाकाम रहा है। लेकिन नाजरीन, रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं और इस वक्त इंडिया के पास एक ऐसा यंग फास्ट बॉलर है जो कि शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है और भारतीय मीडिया चाहता भी है और उसको बहुत सपोर्ट भी करता है कि ये लड़का शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास भी एक ऐसा बॉलर है जिसके आइडियल खुद शुएब अख्तर हैं और शुएब अख्तर का वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, और मैं बात कर रहा हूँ हारिस रऊफ की। ये दोनों यंग फास्ट बॉलर्स, एक है जिसका ताल्लुक भारत से उमरान मलिक और दूसरा जिसका ताल्लुक है पाकिस्तान से हारिस रऊफ, ये दोनों ही भारतीय मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से जाने जाते हैं और भारतीय मीडिया अपने इमरान मलिक को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है और कहता है कि ये लड़का शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। आइए नाजरीन, आपको इन दोनों फास्ट बॉलर्स का तारुफ करवाते हैं। इमरान मलिक 22 नवंबर 1999 में इंडिया में पैदा हुए, जो कि आजकल इंडिया की तरफ से T20 क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इमरान मलिक सीधे हाथ से बॉल करवाते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से इंडियन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया का दावा है कि ये लड़का किंग शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है और अभी तक इमरान मलिक की फास्टेस्ट डिलीवरी IPL में 150 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है, लेकिन शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी भी ये काफ़ी पीछे हैं। तो दोस्तों, अगर हारिस रऊफ की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के शहर गुजरावाला में 1993 में पैदा हुए थे और इन्होंने 24 जनवरी को 2020 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था और इनकी तेज तरीन बॉल 155.3 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है और ये पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर टीम का हिस्सा हैं। हारिस रऊफ का शुमार पाकिस्तान के तेज तरीन गेंदबाजों में किया जाता है। जी नाजरीन, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं कि शुएब अख्तर का रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, इमरान मलिक या हारिस रऊफ या पाकिस्तान या इंडिया में से कोई भी नहीं। नाजरीन, दुनिया में और भी बहुत से यंग फास्ट बॉलर हैं जो कि शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि शुएब अख्तर का रिकॉर्ड कौन सा बॉलर दौड़ने की सलाहियत रखता है? चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।